हेलो दोस्तों, नमस्ते। सरोज की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बूरा बनाएंगे। इसे तगार भी कहा जाता है। बूरा लड्डू बनाने में, पेड़ा बनाने में और चूरमा बनाने में भी यूज करते हैं। बूरा तगार बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ बूरा और तगार ना मिले तो आप इसे घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बूरा या तगार बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हमारे यहाँ रवा भी कहा जाता है। इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। पैन में हमने एक कटोरी रख ली है। इस कटोरी में हम चीनी डाल लेंगे और इसे चीनी से पूरा भर लेंगे और चीनी को हम पैन में डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे पानी 1/3 कप, यानी कि जैसे आपने चीनी ली है 300 ग्राम, तो पानी डालेंगे 100 ग्राम। चीनी को पकाने के लिए हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे चलाते हुए पकाएंगे। वैसे आप लो फ्लेम पर भी बूरा या तगार बना लेंगे, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस वजह से हम गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे और चीनी को चलाते हुए पकाएंगे। हो सके तो आप नॉन स्टिक बर्तन का ही यूज करिएगा। वैसे आप किसी भी कढ़ाई में या पैन में बना सकते हैं, तब भी बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी चीनी मेल्ट होने लग गई है। चीनी को इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमने गैस का फ्लेम तेज कर रखा है। नहीं चलाएंगे तो चीनी पैन में नीचे लग सकती है। बूरा या तगार बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप देख रहे हैं हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। तेज़ गैस पर तगार बनाने से तगार एकदम वाइट बनती है और इस तगार से मिठाई बहुत ही अच्छी बनती हैं। जैसी मार्केट में मिलती हैं उतनी टेस्टी अच्छी बनकर तैयार होती हैं। आप तगार की जगह चीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो मिठाई ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। हमारी चाशनी में काफ़ी अच्छा उबाल आ रहा है और ये जैसे ही वाइट वाइट होने लग जाए, इस तरह से झाग आने लग जाए, तो इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चम्मच घी। घी डालने से बूरा तगार एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। मिक्स करने में कोई परेशानी नहीं होती है और बड़ी बड़ी गांठें भी नहीं बनती हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसी तरह से चाशनी को चलाते हुए पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे ही बहुत ज़्यादा झाग आने लगें और झाग एकदम वाइट दिखने लग जाए, तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और चाशनी को लगातार चलाते रहें। चलाते चलाते हमारी चाशनी भुरभुरी सी होने लग गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे फटाफट से और भी तेज़ी से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अब इस समय आपने चाशनी को छोड़ दिया तो ये जम जाएगी और एक ढीला सा बन जाएगा, इसलिए इसे फटाफट से चलाते रहना है। अगर आपको इसको मिक्स करने में थोड़ी भी परेशानी आ रही है तो आप पोटैटो मैशर ले लें और गैस से नीचे रख लें। मेरी तरह इस तरह से पोटैटो मैशर से इसे मैश करते जाएं। इससे जो भी गांठें होंगी उनको मिटा लें और उससे ये एकदम एक सार बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें कोई गांठें नहीं रहेंगी और आप देख सकते हैं घर पर भी हमने तगार बनाकर तैयार कर ली है। ये एकदम बढ़िया और परफेक्ट तगार बनी है। इसे बनाने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा है। तगार हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम ट्रे में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम वाइट तगार बनकर तैयार हुई है। इसे आप कभी भी बनाएं, आपका मन हो, मार्केट से नहीं ला सकते हैं तो फटाफट बना कर आप लड्डू बनाएं, चूरमा बनाएं या पेड़े बनाएं, कुछ भी आपका मन हो जो बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बूरा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ। धन्यवाद।